होने चाहिए, दूरियां कोई मैटर नहीं करती, जी दिल सर। ना मिले हो तो थोड़ी दूरी भी बहुत दूरी लगती है हमारे सर हमारे दिल। हमारे हॉस्टल में एक अमित नाम का लड़का था, अच्छा वो पता नहीं अमेरिका से या कहाँ से फेसबुक के जरिए शादी कर ली उसने। अब अच्छा रोज न्यूज वालों को बुला के, लोकल न्यूज वाले नहीं है उनको रोज रोज बुलाए रखता है, कभी किसी को इंटरव्यू दे रहा है कभी किसी को। अच्छा यूएस की लड़की से कर ली है। अरे वो तो बढ़िया रहा, सब में सफल व्यक्ति तो हो ही गया। हाँ यही है, और वो हिंदी बोलती है और क्या, राम राम जी करती हो, वही है सिखाती वो। उसको। ओ जी डी, हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। आज नहीं अमित उठाई तुमने एडी, उठा रखी है गुड इवनिंग। है ना, सर वो हाँ राम राम जी अमित है, करती है। अच्छा अमित है, वो कभी से छपरी है शुरू से ही और अच्छा जबान का इतना मीठा बस पूछो नहीं। पंकज सर जुबान की व्यक्ति करते मतलब काम। समझा यार, कोई पूरे एक्सप्लेन कर थोड़ा, जुबान का मीठा मतलब। आप भी ये नहीं कह रहे थे कि दिल कहीं भी मिल सकता, कितनी दूरी पे ये वो, इसलिए हाँ बता हाँ रहे हाँ हैं। हाँ 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 और मैं कह रहा हूँ सबके बस की बात नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके के दृश्य होने ये तो बात चाहिए। है, सबके अंदर अलग टैलेंट है, किसी के अंदर होता है किसी के अंदर नहीं होता है। ये तो यही बता रहा हाँ हूँ। कोई बड़े हुए काम कोई बिगाड़ देता है, कोई बिगड़े कोई कोई संवार देता है। बाकी ये जीवन है, शून्य है, सब कुछ शून्य से स्टार्ट, शून्य पे खत्म, यहीं पे। हाँ भाई बात बढ़िया सर, लास्ट में सुनने हाँ वाली बात सब आई ना सब भाई। अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी थिंकिंग है, बढ़िया थिंकिंग है सबकी, जो जैसे जी रहा है जीने दो उसको। नहीं सर सुनने वाली बात बहुत अच्छी है। सही किसी को लड़ाई झगड़े मजा, किसी को प्यारे मजा, किसी को खेती करने मजा, किसी को गाने मजा, किसी को सोने मजा, किसी को खोने मजा, सबके दो अपने अपने मजे है ना, करने दो जिसको जैसे करने है। किसी को पढ़ने मजा, अच्छा और जेडी तो आजकल गाने भी गाने लग गया, सर सुन गया आपने। और क्या मन तो नहीं हुआ, अगर दो चार गम ऐसे मिल गया आप सिंगर ना बन जाओ। कौन से गम सर? अरे मैं तो वैसे बोल रहा, दिल पे मत ले यार, गम गुम ना बोला करो सर, अपने पास गम गम जेडी के क्या? आसपास। नहीं अपने पास गम के क्या मतलब जगह है? अच्छा, मैं तो पक्का कर रहा हूँ दिल तेरा, मेरा तो बहुत अगर पक्का है सर। कोई कोई गम आसपास भी आए वो दूर भाग जाए। भाग जाइए। गुड इवनिंग सर, कैसे ओ वेरी गुड इवनिंग रोजी, हो सर? अच्छे मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपकी बात सुन के होना सर, चार गुना बहुत अच्छी हो गई हूँ। क्यों अच्छे होना। कोई शक? कल दिक्कत हो रही थी ना आपको, इसीलिए। अरे काहे की बात छेड़ रही है, टॉपिक चेंज करो कर। सर। नहीं और सर क्या, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज मैंने आपका स्टेटस देखा गानों कौन से वाला? वाला, आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर, मैंने आपकी फोटो भी देखी। ओके ओके ठीक है, आप मुझे सर और ज्यादा यंग लग रहे हो आज आपकी फोटो में। ओ थैंक यू, सबसे अच्छी लड़की तो ये है ग्रुप में, सही में बहुत अच्छा बोलती है। सर आप डांस में, डांस वाली वीडियो डालो ना, आपका डांस बहुत अच्छा है आ जा फिर, आ जा एक दिन बनाते हैं, आ जा ना बना के सर। डाल देंगे। आप अपना अरुण वीडियो डालो, वो जो अंग्रेजों के साथ नहीं डांस करते, वो कोई किसी अरे लेडी के साथ डांस कर रहे थे कोई आप बात नहीं, सर वो वीडियो डालो, लड़कियों वाला डांस करते हो ना वो हाँ वाली। हाँ मैं रोजी के साथ करूंगा फिर, वो रोजी को भेज यार, सर मुझे तो आता ही नहीं, कोई नहीं सिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम के साथ करके भेज दो सर। हाँ ये हाँ मैडम के साथ फीलिंग नहीं आती डांस मैडम, तो बोर हो गया है ना सर। सर ना वो टांग मार देते गिर जाता सर स्कूल में बता रहा हूँ, हाँ स्कूल स्कूल में वाली मैडम मैडम के साथ सर, सुषमा हाँ मैडम, हाँ हाँ ये बात तूने पता ही कही है। सुषमा मैडम के साथ सर आपके पड़ोसन भी हैं और ठीक साथ है में, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है वो गाड़ी वाली सर बिजली पड़ जाती वो वाली मैडम। अच्छा हाँ बिजली गिरवाऊंगा किधर किधर ये सर, तो कल लगे तो बना सर नहीं मेरा दस दिन मन बुला नहीं के है, तीन मान चार तक लीजिए होंगे, ये मेरे को साइड कर देते हैं और मैं वही काम कर देता हूँ अगले दिन। हाँ वही सर, गड़बड़ हो गई थी। कलर परसों सर बारिश भी आ रही थी, बिजली भी लसक रही थी, हुआ नहीं सर कुछ?
उल्टा बोलती है, लौके का फायदा नहीं उठाया आपने, पकड़े नहीं हाथ वात। मत ये जूते मरवाओगी पक्का। सर आपने तो कहा था पिछली बार, मेरा ऐसे मन कर रहा था हाथ पकड़ लूं, मैं बोलना नहीं था। कहने में करने में बहुत अंतर है देवी जी। तो सर मैं भी तो कह ही रही हूँ, बोलने बोलने की एक करने की, सब जो बोलने बोलने की एक करने कुछ नहीं। रोजी मैम करना चाहती है, आप इनको कभी इनवाइट करो। अरे ये पागल हो गया, मेरे बस के नहीं है। अरे रोजी सर को रोजी दिन में ही तारे दिखेंगे, बढ़िया है दिन में ही तारे दिखेंगे। अंकिता की जावे है, यह अंकिता पता नहीं कहाँ से आई है घूम के, जावे जो तो की जावे जा रही है। चलो आगे स्टार्ट करो, अब अपनी कथा स्टार्ट हो जाती है, कथावाचक। अब कथा दो घंटे की चलेगी। चलो ना अच्छी है, मैथ सीखने का अच्छा सीखो मैथ, क्योंकि है ना ऑनलाइन में बस ऐसे ही होता है ना, दिक्कत ही है। ऑफलाइन का तरीका अलग है, ऑनलाइन का अलग है, तो चेंज ऑफ बेस चीज है सर। हाँ जी सर, मैं तंग हो रही हूँ सर। किस चीज से? पता क्या, मेरी मम्मी की ना 3 दिनों से ना तबीयत खराब हो रही है, उनको बुखार हो रहा है, सुबह का काम भी करना पड़ता है, शाम का काम भी करना पड़ता है, और फिर दोपहर को मेहमान आ जाते हैं पवन के दोस्त, फिर उनका भी करना पड़ता है, मैं तो तंग हो गई हूँ। तो ऐसा कर, घर छोड़ के भाग जा। कौन नहीं सर, वो आपको इनवाइट कर रही है उनकी हेल्प करने के लिए काम। अच्छा कोई नहीं, मैं हाथ बटवा दूंगा। आपको तो आता ही नहीं होगा सर, बर्तन तो बस साफ ही कर दो और कुछ नहीं, बर्तन तो साफ कर दूंगा। मैडम से मांगते हो? बर्तन साफ कर दूंगा, झाड़ू मार दूंगा, पोछा मार दूंगा। आता है सर आपको? मेरे को तसल्ली नहीं होती दूसरे के काम से। फिर रहने दे, फिर तो बात मत कर। को दूसरा बोल दिया सर, और नाराज हो गए। ये कोई कदर ही नहीं करते मेरी, इस ग्रुप वाले ना, अंकिता ग्रुप वाले कोई कदर ही नहीं करते मेरी। नहीं सर मैं करती हूँ, करते थे बस ये नहीं करते कुर्ते, कभी दूसरा बोल दिया कभी तीसरा बोल दिया, हर रोज नाराज करके भेजते, मुश्किल से मूड ठीक होता है। आगे करते हैं, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। जी पहला पहला है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। डायमेंशन एन का वेक्टर स्पेस है वी, और साथ में क्या है, मैंने ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी है जो पुड़ का काम करती है, पुड़ का काम करेगी ये। अभी थोड़ा छुरी है समझ लीजिए क्या है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन, एंड अगर इसके वेक्टर स्पेस के डायमेंशन एन है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एन ही एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट होंगे, तो उसको कह दिया बी वन, एंड बी वन, बी वन में क्या क्या है, यू वन यू टू डॉट 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 यू एन, एंड बी टू, दो बेसिस तो हो सकते हैं क्योंकि बेसिस यूनिक नहीं होते, बेसिस क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। दूसरा बेसिस क्या है, v1 v2 vn, ये है b, its two bases। देखो चेंज ऑफ बेसिस का मतलब है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, भाई एक बेस को दूसरे बेस में परिवर्तित कर देती है, वो कौन सी मैट्रिक्स है उसको निकालना हमने। मैंने क्या किया, सोनिया बंद कर दी दरवाजा, एक वेक्टर स्पेस मान लिया जिसका डायमेंशन कितना है, एन है। अगर डायमेंशन एन है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट होंगे, और बेसिस यूनिक नहीं होते, मैंने दो दो बेस मान लिए इसके, एक तो बी वन और एक बी टू, ठीक है। देन देन ईच, ईच पे जोड़ दे रहा हूं मैं, वेक्टर्स इन बी टू कैन बी रिटन
यूनिकली, फिर यूनिकली पे जोड़ दे रहा हूं मैं, यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन बी वन। बता सकते हो उसका लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है इसका? बी टू का हर वेक्टर है बी वन के वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिक लिखा जा सकता है, क्यों, कारण क्या है? कारण ये है, बी टू का वेक्टर कौन हो गया, वी वन हो गया। वी वन वेक्टर किसका बन गया, वेक्टर स्पेस का बन गया। वी वन वेक्टर किसका वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का, वी का वेक्टर है। अगर वी का वेक्टर है और बी टू क्या है, बी वन क्या है, बेसिस है, बेसिस है। बेसिस क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है, जनरेटिंग सेट होता है, एल आई होता है, और वी के हर वेक्टर को ये यूनिकली जनरेट करता है, यूनिकली मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसलिए यूनिकली जनरेट करेगा ये, तो यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कौन सा उठाते हैं, वी वन उठाते हैं। वी वन वैक्टर किसका है असल में, वी का तो है, वी का है, तो किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में बेसिस की, तो कैसे लिख सकते हो आप उसको, ए वन वन यू वन, ए वन टू यू टू, डॉट 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 ए वन एन यू एन। ये तो मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट वेक्टर लिख दिया। इसने कहा ना हर एक वेक्टर ईच ईच पे जोड़ दे रहा है। दूसरा वेक्टर कौन है, वी टू, उसको भी लिख सकते हो आप, कैसे, ए टू वन यू वन, ए टू टू यू टू, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ए टू एन यू एन। अब लास्ट और फाइनल वेक्टर कौन है, वी एन, तो वी एन को भी आप कैसे लिख सकते हो, सेम लाइन के ऊपर वी एन को लिख सकते हो आप ए एन वन, कैसे लिख सकते हो, ए एन वन यू वन प्लस ए एन टू यू टू, और डॉट डॉट करते हुए ए एन एन यू एन। ठीक है, यहां तक आई थिंक है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हेलो सर। हाँ हेलो सर, आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात बताई थी, क्यों लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन बताना सर। वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि देखो कोई भी वेक्टर हो, वी का वेक्टर स्पेस दे रखा है, उसके बेसिस दे रखे हैं, कोई भी वेक्टर हो, बेसिस बेसिस क्या करते हैं, उसको यूनिकली जनरेट करते हैं, है ना। ये बताया था ना यूनिक में लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक लिखी जा सके, कोई वेक्टर उठाओगे आप वी का, मैंने ये जब सर तो वेक्टर स्पेस पढ़ा रहा था उसकी 5-6 डेफिनेशन पढ़ाई थी। हाँ जी सर, तो बी वन भी तो इसी का, तो उनमें से एक डेफिनेशन है, वो क्यों नहीं हो सकता, क्या ये यू वन यू टू यू एन भी तो वी का वो है, बेसिस है ना। हाँ सर, ये क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये भी लिखा जा सकता है इसी कॉम्बिनेशन में भी, लेकिन V1 आपने इसी में से उठा लिया ना, फिर लिख पाओगे आप, है ना। तो बेसिकली ना कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना यूनिकली, एक ही तरीका होता है, मतलब जब एक वेक्टर स्पेस हमारे पास ली, उसके दो बेसिस सेट दे दिए, एक U1 U2 Un और एक U1 U2 Vn, तो फिर ऐसा क्यों है कि V1 V2 Vn ही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 Un लिखा जा रहा है। वेक्टर स्पेस तो एक ही है ना, ये कोई ऐसे थोड़ी ना कि एक डोमेन का बेसिस है, एक को डोमेन का बेसिस है, ना वैसे नहीं, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे तो है ही नहीं ना सर। ये वेक्टर स्पेस का ना कोई भी एलिमेंट उठाओ आप वी का, वो बेसिस की टर्म्स में यूनिक लिखा जा सकता है, है ना सर। ये जैसे आप आर है, आर एक वेक्टर स्पेस है ना, इसके बेसिस में कौन है, सिंगलटन वन है, ये भी है, और दूसरा बेसिस में कौन है,
सिंगलटन रूट टू भी है, दोनों बेसिस है। तो आप कोई भी आर का वेक्टर उठाओ, कोई मर्जी दो, मैं बेसिस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे भी बेसिस सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन एक दूसरे। हाँ, यूनिक लिख सकते हैं, क्योंकि जो छह डेफिनेशन करवाई थी ना, वो एल आई मिनिमल जनरेटिंग, ये छह डेफिनेशन में से अगर आपको याद आ रहा उस टाइम पर, वो लिखी भी होंगी, आप पढ़ के देखो एक बार उनको, ठीक है। चलता हूं आगे। तो यहां पर एक मैट्रिक्स मिल रही है आपको, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूं। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, आप लिखोगे v1 v2 डॉट डॉट vn, एक कॉलम वेक्टर हो गया। मैट्रिक्स कौन सी होगी यहां पर, a11 a12 डॉट डॉट करके a1n a21 a22 A2n, continuing like this, an1, an2, ann, n cross n की matrix है, और vector कौन है, u1, u2, un, तो इस matrix का हम transpose ले दें, इस matrix का transpose ले दो, और उसको P से डिनोट कर लो। क्या क्या कहा है मैंने, लेट कैपिटल P डिनोट्स द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ coefficients, coefficients in above system, in above system, यानी कि P, P किसको डिनोट करती है, P जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी है इसका ट्रांसपोज है, उसको P कहते हैं, उसे हम P बोलते हैं। कैसे, P कौन सी मैट्रिक्स है, ये A11, A12 डॉट करते गए A1n, A21, A22, A2n, फिर कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस An1, An2 और ANn, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, जो ये मैट्रिक्स पी है, दिस मैट्रिक्स पी पी बहुत अच्छा शब्द है, इज कॉल्ड द चेंज, चेंज के बाद डैश लगा देते हैं, ऑफ ऑफ के बाद डैश लगाते हैं, बेसिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्पेशल मैट्रिक्स होती है इसलिए ऐसा करते हैं, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जब कोई चीज में बदलाव होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम कहां से, द बेसिस b1 2b2, ठीक है। तो b1 और b2 में ये किसका काम करती है, सेतु काम करती है मैट्रिक्स। b1 टू b2 पढ़ते हैं हम इसको, b2 टू b1 नहीं पढ़ते, b1 टू b2 जिस तरफ जा रहा होता है ना, उसके वेक्टर की, उसके वेक्टर को लिखते हैं,
B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में जहां से जा रहा होता है, ठीक है, ये वर्ड याद रखें इसमें। अब क्योंकि जो वेक्टर है, क्योंकि जो V1, V2, VN है, कैसे है ये R, LI, LI क्यों है, ये बेसिस है, ठीक है। अगर ये LI है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, इनवर्टिबल, थ्योरम है। सो द मैट्रिक्स P इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल बनेगी या नॉन सिंगुलर बनेगी हमारे पास, ठीक है, एंड हेंस P इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये इनवर्टिबल है, P इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगी, एंड हेंस P इनवर्स एग्जिस्ट। इस P इनवर्स को भी क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं, बट रिवर्स बोलते हैं, B2 to B1 है, ठीक है, इज कॉल्ड P इनवर्स कहलाती है, इज कॉल्ड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, कहां से, फ्रॉम, इसको पलट दो, B2 to B1 कहलाती है, ठीक है। तो ये थ्योरी है आपकी, हेलो सर। हाँ जी सर, जैसे B2 को B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, इसका मतलब उल्टा भी किया जा सकता है कि उल्टा भी किया जा सकता है, बिल्कुल उल्टा भी किया जा सकता है, फिर आपको इनवर्स निकालने की लोड नहीं है, मतलब उसका B इनवर्स शायद वही आएगा क्या? हाँ वही आएगा, इनवर्स जो आएगा वही आएगा, सेम एग्जैक्टली वही आएगा। सर ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा, सर ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज तो जरूरी है, ट्रांसपोज तो फिर भी करना पड़ेगा उसके बाद। जैसे क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं आपको, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, क्वेश्चन है आपके, जैसे क्वेश्चन ये है, लेट B1 डिनोट्स द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³। ठीक है, एंड बी टू में क्या क्या है, 112 है, ये कोई अनदर बेसिस ले लिया मैंने, 112 ले लिया पहला, दूसरा ले लिया 221, तीसरा ले लिया 122, ये कोई अनदर बेसिस ले लिया मैंने, बी अनदर बेसिस ऑफ R³। B1 को तो मान लिया स्टैंडर्ड बेसिस, B2 को मान लिया ये बेसिस, आप इनको बेसिस चेक भी कर सकते हो, ये LI मिलेंगे पक्का तीनों, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है, इसके दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, कहां से, फ्रॉम B1 to B2, पहली चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कहां से बतानी है, B1 से B2 तक। नंबर टू, अब रिवर्सल क्वेश्चन है, रिवर्स है, फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम, अब बतानी है B2 to B1, ठीक है। पहले सोचिए कि मैट्रिक्स कैसे आती है, मैट्रिक्स जब B1 to B2 करते हो आप, तो B2 का हर वेक्टर, B2 का
बी वन की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहिए। बी टू का हर वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे पहला वेक्टर बी टू का 1 1 2 किसमें होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें, बी वन के बेसिस में। बी वन में तो कौन है स्टैंडर्ड है 100 प्लस, मतलब यही A11, ये A12 010, A13 001। अगर आपको ये पसंद नहीं है A11 A12 A313, आप ABC कह लो, आप ABC कह लो। सिमिलरली दूसरा वेक्टर कौन है 221 A21 100 A22 010 और A23 001। सिमिलरली तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर 122 कैसे लिखा जाएगा, A31 100 प्लस A32 010 प्लस A33 001, ऐसे लिखना है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A11 की, A12 की, A13 की, और इनका ट्रांसपोज ले लेना, वही आएगी। कितनी आएगी इनकी वैल्यू, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, कितनी आएगी वही, कितनी आएगी बोलो, 1 1 2 आएगी पहली, सेम ही आएगी सर। वन हमें बी टू गिवन है, इसको कॉलम वाइज लिख लो सर। हाँ, टू टू वन 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 टू टू, तो पी बतानी है, कौन है पी, कॉलम वाइज लिख दो इसको, 1 1 2 टू टू वन 1 2 2 लिख देना कॉलम वाइज। अब आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, व्हाट इज डिटरमिनेंट पी, पक्का नॉन जीरो आएगा, निकालो कितना आया, 3 आ गया सर, 3 आ रहा है, यस पी इनवर्स निकाल देंगे, पी इनवर्स कितना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ पी बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी, निकाल लो इन पी इनवर्स, पी इनवर्स बताओ फटाफट कितना आया, एडजॉइंट पी बता दो बस, सर एडजॉइंट पी आया है। रो वाइज सर, 2 - 3 2 सेकेंड रो 2 0 - 1 थर्ड रो -3 0 0 मेरा तो यही आया, यही आया भी सबका, बताओ मैच कर रहा है, गलत है सर, मेरी तो सेकेंड रो 0 0 1 आई है, क्या -3 3 0 लास्ट वाला, हाँ जी यही आ रहा, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कहां से कहां तक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, और बी टू टू
B1 बोलते हैं, है ना? हम दूसरे तरीके से कैसे निकालते? B1 बेसिस के हर एलिमेंट को, पहला एलिमेंट कौन है B1 बेसिस का? 100 को कैसे लिखो आप लीनियर कॉम्बिनेशन में? किसके? 1 1 2 के, 2 2 1 के और 1 2 2 के, ठीक है? राइट साइड की इक्वेशन तो सेम रहेगी, लेफ्ट वाली चेंज करते रहो बस। 100 की जगह फिर क्या ले लेना? 010। फिर क्या ले लेना? 001। इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन लेंथ जरूर जाएगी, लेकिन वो किससे मैच करेगी? इससे मैच करेगी, इस मैट्रिक्स से, पक्का देख लेना आप, ठीक है? जैसा वो मोनिका बता रही थी, अजीत बता रहे थे, है ना? कोई नई चीज नहीं है वो, बस वही तरीका है। सर यहाँ पे भी ordered basis ही होंगे ना? क्या करी है? ordered basis ही होंगे ना यहाँ पे भी? हाँ ordered basis होंगे, हाँ जी, वरना matrix different हो जाएगी अगर order different होगा तो। बिल्कुल change हो जाएगी, otherwise matrix निकाल लोगे ना ABC की value? जी सर। सिमिलरली फिर दूसरा वेक्टर लिखेंगे 010, कैसे लिखेंगे? डी टाइम 112, ई टाइम 221, एफ टाइम 122, वही है, डी एफ की वैल्यू आ जाएगी। फिर 001 तीसरे वेक्टर को, जी टाइम 112, एच टाइम 221, आई टाइम 122 लिख लेंगे। तो जो मैट्रिक्स आएगी ना इसकी, वो इससे मैच करेगी डिटो, जब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब उस मैट्रिक्स का, है ना, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका पहला कॉलम क्या आएगा? एबीसी। आप एबीसी निकाल के देख लो, आपको मैचिंग हो जाएगी, सिर्फ यहीं से ही निकाल के देख लो आप एबीसी की वैल्यू, लेंथ ही पड़ेगा इससे, तो इसलिए तो फार्मूला बना है पी इनवर्स वाला, इसलिए फार्मूला बनाया वो, क्योंकि इनवर्स निकालना आसान है एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट करके, और इस तरीके से लेंथ ही है, हम क्यों टाइम खराब करेंगे एग्जाम में, हमें तो वहां टाइम सेव करना है ना। समझ आया जी ये? यस सर। ओके ओके, हेलो, आ रही है ना आवाज? आ रही है सर। ओके, अब कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स क्या हैं? नंबर 1, चला जाए आगे। यस सर। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स क्या क्या है देखो, रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट, लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन, इसका डायमेंशन एन है,
एंड बी वन, बी वन है बेसिस है, बेसिस में एन एलिमेंट है, यू वन यू टू, अभी बताया था जो थ्योरी, यू वन यू टू डॉट डॉट करते हुए यू एन, एन एलिमेंट है इसमें, एंड बी टू, बी टू कोई दूसरा अनदर बेसिस है, इसमें भी कितने एलिमेंट है, एन है, वी वन वी टू डॉट डॉट करते हुए वी एन, बी इट्स टू बेसिस, मतलब इसके दो बेसिस हैं, लेट जो पी है वो क्या है, बी द चेंज ऑफ मैट्रिक्स, बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ये कहां से कहां तक चेंज करती है, फ्रॉम बी वन टू बी टू, तो बी वन टू बी टू चेंज करती है, कहता है देन फॉर एनी वेक्टर, मतलब आप कोई भी आर्बिट्री वेक्टर उठाओगे वी, किसका, वेक्टर स्पेस का, ठीक है, तो क्या रिजल्ट होता है, वी हैव, ध्यान से सुनिए, पी टाइम, पी क्या है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर वी का किसके रिस्पेक्ट में, बी टू बेसिस के रिस्पेक्ट में, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है वी का बेसिस बी टू के रिस्पेक्ट में, बराबर आएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर वी का किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू बेसिस बी वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो पी क्या थी, पी तो थी चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बी वन टू बी टू, लेकिन क्या संबंध आया हमारे पास, कोऑर्डिनेट वेक्टर वी रिलेटिव टू बेसिस बी टू, इसके लेफ्ट में मैट्रिक्स पी मल्टीप्लाई होगी और कोऑर्डिनेट वेक्टर मिलेगा वी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी वन, हम इसकी तसल्ली करेंगे थोड़ी देर बाद इस रिजल्ट की, ठीक है। एक तो रिजल्ट हुआ ये, अगर मैं, क्योंकि P इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है P, तो P इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो P इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, तो P इनवर्स P VB2 बराबर है P इनवर्स VB1, तो P इनवर्स P क्या होती है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसी मैटर से मल्टीप्लाई वही आएगी, तो VB2 किसके बराबर आएगा, P इनवर्स VB1, तो दोनों स्थितियों में जो मैट्रिक्स होती है वो पहले मल्टीप्लाई होती है, पहले मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। समझाया? यस सर। देखो देखो दोबारा, वी बी वन किसके बराबर है, पी वी बी टू, फिर है वी बी टू किसके बराबर है, पी इनवर्स वी बी वन इसके बराबर है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है बी वन टू बी टू, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है बी टू टू बी वन, तो जिसका भी कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना हो जिस बेसिस के रिस्पेक्ट में वही मैट्रिक्स ले लोगे आप, ठीक है, वहीं से वहीं चेंज कर देगी वो, तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बताया हुआ है, लिखा हुआ है आपकी बुकलेट में, हाँ जी क्लियर है ये, क्लियर है ना, हाँ जी सर। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे बता सकते हो, उसको कैसे पढ़ोगे जो फर्स्ट लिखा हुआ है, कैसे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर
ऑफ वी किसमें बी वन में हाँ इसको ऐसे पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट वेक्टर किसका ऑफ वी वी का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी वन किसके इक्वल है किसके इक्वल है ट्रांजिशन मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहां से बी वन से बी टू ठीक है बी वन से बी टू वही तो है और इनटू में क्या है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी टू तो पहला फॉर्मूला ये बन गया अब इस फॉर्मूले को लिखो सेम लाइन पे इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस पी टू अब पहले क्या लिखा जाएगा ये क्या है ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स उल्टी हो जाएगी रिवर्स लिखी जाएगी ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू टू बी वन और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी वन ठीक है ना टोटली चेंज हो जाएगा सीन याद हो गया फार्मूला बताइए हाँ जी सर अब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या पूछ सकता था पिछले क्वेश्चन में पूछ सकता था रफ कर दो इसको यस सर ओके सर जम का होना कितनी देर रुकूं बस सर बस सर एक सेकेंड कर दो सर कर हाँ पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम देखो क्या कर रहे थे हम क्वेश्चन लेट बी वन डिनोट्स द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब के एंड बी टू क्या है अनदर बेसिस है 112 यही क्वेश्चन ले थे एग्जैक्टली 221 थर्ड वेक्टर है 122
1, 2, 2 बी अनदर बेसिस ऑफ आर क्यू, बी अनदर बेसिस ऑफ आर क्यूब, ये अलग बेसिस आर क्यूब का, वो दो बेसिस दे रखे हैं। देन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 111 रिलेटिव टू द बेसिस बी टू, रिलेटिव टू द बेसिस बी टू यूजिंग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, यूजिंग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। मतलब इसको निकालने के दो तरीके थे ना कोऑर्डिनेट वेक्टर को, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले तरीके से जो पहले सिखाया था, और एक आज नया तरीका है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स से। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स से कैसे निकलेगा, ये यू मान लिया, ये यू है तो मैंने यू बी टू निकालना है। अब याद करो क्या फार्मूला था, यहां क्या आएगी फिर क्या आएगा, क्या आएगी भी पहले पी आएगी या पी इनवर्स आएगी, पी इनवर्स, गुड, पी इनवर्स आएगी। और यहां क्या आएगा, वी कोमा बी वन, हाँ यू कोमा बी वन, बी वन, ठीक है। बता सकते हो पी इनवर्स कितनी आई थी आपकी, यस सर, कितनी आई थी, 1/3 बाहर था सर, हाँ 1/3 बाहर था, 2 - 3 2, हाँ 2 - 3 2 था, यस सर, फिर आगे 2 0 - 1 2 0 - 1 था, आगे -3 3 0, हाँ हाँ, या मैंने रेड अक्षर में लिखा था, करेक्शन हुई थी, 3 था फिर क्या था, 0 था, ठीक है। अब यू बी वन कितना होगा, वही हो जाएगा सर, 1 ही हो जाएगा, यही होगा, कारण स्टैंडर्ड बेसिस है, यू बी वन निकालना आसान है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड बेसिस में वही होता है जो वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, आ जाएगा आंसर, आंसर ये आएगा 1/3 1/3 0, ठीक है, आसान है ना। Yes, sir. अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर लेता कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी वन, फिर सीधा निकाल लेते हम, क्योंकि स्टैंडर्ड में वही आता है ना, ये निकाला तो वो है यू बी वन, ये तो सीधा निकल जाता। समझ आ गई बात, बताइए। यस सर। ओके तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, ये समझो आपका बहुत कुछ हो गया इसमें, एक क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन ट्राई करिए, ये क्वेश्चन है हमारा, लेट बी वन डिनोट्स द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड बी टू, बी टू में कौन कौन है, 101 है, 212 है और 122 है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, थोड़ा चेंज हो गया, 1 2 2 है, चेंज है। बी अनदर बेसिस ऑफ आर क्यूब, बी अनदर बेसिस है इसका आर क्यूब का, देन
नंबर वन फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बी वन टू बी टू, पहले निकाली है बी वन टू बी टू, फिर निकाली है सेम बी टू टू बी वन, फिर निकालना है तीसरा क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 103 रिलेटिव टू द बेसिस बी टू यूजिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स करो फटाफट, 3 मिनट का सवाल है, 3 मिनट में करो।
हाँ जी हो गया है। यस सर। निकालते हैं जो बेसिस मैट्रिक्स। यस सर। कितनी आई है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स? बोलना। 7-4 2 सर। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। अच्छा ओके सर। 101 सर कॉलम में। 101 यही पहला कॉलम है ना सर? फिर आगे बी टू बेसिस है। 212 हाँ। 122 ये आ गई होगी। सेकंड का बोलो। पी इनवर्स निकालना था सी इसमें। हाँ पी इनवर्स कितना आया? माइनस बता दो मैम आप। -2 -2 -3 सर रो वाइज। -2 3 सेकंड रो। 21 -2 21 -2 थर्ड रो। -101 हाँ। और वो वेक्टर ये क्या? 7-4 0 सर। जीरो नहीं 2 सर। 2 सही आया भी सबका यही? यस सर। यस सर। ओके अब नेक्स्ट पे चलिए। सही में अब है ना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर है। उसकी फीलिंग दे रहा है उसमें सिमिलर कंसेप्ट है ना उसी में आएगा। जो सिमिलर का कंसेप्ट है उसी में आएगा ठीक है सिमिलर मैट्रिक्स का। तो अभी आप थोड़ा ध्यान रखें बस एक जगह यूज हो रहा है ऐसा कंसेप्ट इस चैप्टर में सिमिलर लीनियर ऑपरेटर का कंसेप्ट है। लीनियर ऑपरेटर तो आपको पता ही है क्या होता है। ये कंसेप्ट है पहला सिमिलर सिमिलर लीनियर ऑपरेटर्स का। टू लीनियर ऑपरेटर्स पहली बात तो लीनियर ऑपरेटर को जानते होंगे ना। लीनियर ऑपरेटर एक एलटी होती है जो सेम डायमेंशन टू सेम डायमेंशन होती है T1 एंड T2। सर सेम डायमेंशन या सेम वेक्टर स्पेस ही? हाँ सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस होती है। ओ नहीं वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ मतलब T1 में भी सेम वेक्टर स्पेस डोमेन में सेम कोडोमेन में आया T2 में वही रहेगा तो सिमिलर की बात तभी होगी। अदरवाइज सिमिलर की बात नहीं कर सकते हम। सिमिलर की बात कब होती है? जब वो ऑपरेटर है सेम वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड हो वी ओवर एफ पे डिफाइंड है ठीक है। आर सेट टू बी सिमिलर ये सिमिलर कहलाते हैं। कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट कोई एक ऑपरेटर को आगे रखो चाहे तो T2 को रख लो चाहे T1 को P इनवर्स दूसरा ऑपरेटर बीच में रखो फिर P ठीक है। तो ये है रिजल्ट है। हेलो सर रिजल्ट। हाँ जी सर ये जो P है ये वही वाली जो हम निकाल के आए हैं वही वाली या वैसे नोटेशन है कि P है? इस केस में तो वही है लेकिन जनरल नोटेशन है ये। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स कोई भी एक एक एग्जिस्ट कर जे हमारे वाली मान्य होगी जो हमने कही है तो एग्जिस्टेंस की बात करें ना एक मिल जाए बस। ओके ठीक है कोई और भी हो सकती है ये यूनिक नहीं हो सकती।
रिजल्ट क्या है, अगर दो लीनियर ऑपरेटर सेम है तो उनका, दो लीनियर ऑपरेटर सिमिलर है उनका डिटरमिनेंट सेम होगा। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, आइगन वैल्यू भी आइगन वेक्टर भी। फिलहाल आप इतना जल्दी याद रखें। हाँ जी सर, टी वन टी टू मैट्रिक्स है या एल टी ही रहेगा? ये मैट्रिक्स है, टी वन टी टू मैट्रिक्स है ना सर? हाँ ओके सर। क्या है आप इफ नहीं, यहाँ तो ऑपरेटर ही का काम करेंगे, ये बस नाम रख दिया ना ऑपरेटर। मैट्रिक्स होंगे वैसे तो मैट्रिक्स ही कंपैरिजन हो सकती है, अदरवाइज तो होंगी नहीं। इफ टी वन एंड टी टू आर सिमिलर सिमिलर लीनियर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ओने, मैं क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा ना अभी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन जो डिटरमिनेंट आएगा टी वन का वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट टी टू के। वो डीसी टर्म से आगे चल के बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताता ये बात, उनके डिटरमिनेंट क्या होंगे, सेम आएंगे, बस ये बताना चाह रहा है इसमें। ठीक है, हम इसको ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे लगाते हैं। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे कैसे वर्क करता है, यहां तक नोट कर लिया जी? कर दिया ना यहां तक नोट? यस सर। ओके, अब ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे कैसे वर्क करता है, वहां देखो वहां के लिए क्या रिजल्ट है। वहां के लिए है Let P be the transition matrix, transition matrix from the basis B1। B1 में कैसे एलिमेंट है, UI टाइप के एन एलिमेंट है, टू द बेसिस B2 में कैसे एलिमेंट है, VI टाइप के हैं, इन ए वेक्टर स्पेस, कौन सा है, सेम वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F। ठीक है, देन क्या रिजल्ट है, देन फॉर एनी, देन फॉर एनी, आवाज तो आ रही होगी ना, जिया कट रही है? आ रही है सर। ओके, देन फॉर एनी, एनी का मतलब है यहां आर्बिट्री लीनियर ऑपरेटर टी किसके ऊपर है, वो वी के ऊपर है। क्या होगा, जो मैट्रिक्स आएगी लीनियर ऑपरेटर की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B2, ये है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B2, वो इक्वल होगी पी इनवर्स जो मैट्रिक्स आएगी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 इंटू में पी। ठीक है,
और इसका मतलब क्या है, सिमिलर हो जाएंगी, सिमिलर लेट टी ए वी टू वी बी ए लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर देन द मैट्रिसेस, देन द मैट्रिसेस, ये और ये सिमिलर हो जाएंगी ना, ये तो कंसेप्ट था, T1 T2 काम करेंगी ना ये, देन द मैट्रिसेस ऑफ T रिलेटिव टू एनी टू ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V आर ऑलवेज सिमिलर, तो ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। करके दिखाता हूं सारा प्रोसेस कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं इसको, कि दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगी, सिमिलर आएंगी, जो डिफरेंट ऑर्डर बेसिस लिए हैं मैंने, कि एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स पक्का एग्जिस्ट करेगी जो इस रिलेशन को होल्ड करेगी। लो अभी कर देता हूं इसको, देखो ये क्वेश्चन है आपकी वर्कबुक में, थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, ये दे रखा है टी कहां से कहां तक दे रखी है इस क्वेश्चन में, आर टू से आर टू तक, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर है, कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई फाइव एक्स प्लस वाई और 3x minus 2y ऐसे डिफाइंड है। लेट b1 बेसिस दे रखा है कोई सा 1 2 और 2 3 एंड दूसरा बेसिस दे रखा है b2, b2 क्या दे रखा है 1 3 1 4, ठीक है। आपने क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट टी बी टू बराबर है पी इनवर्स टी बी वन पी। पहले क्या ढूंढोगे, पी, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, पी, ठीक है, और फिर क्या फाइंड आउट करो, टी बी टू। टी बी टू का मतलब जानते हो क्या है, टी बी टू ये है मैट्रिक्स ऑफ एल टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी टू, और पी क्या है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, पी क्या है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कहां से, From B1 to B2, ढूंढो, ये तो करवा चुका हूं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, टी बी टू भी आता है आपको करना, दो स्टेप में काम होता है, पहले बेसिस की इमेज निकाल लो, B2 वाले की बेसिस की इमेज निकाल लो, ठीक है, फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, B2 में लिखनी है,
क्योंकि टी बी टू का मतलब क्या है, टी है जो बी टू टू बी टू है, ये एल टी है, निकाल लो अब आपका काम है। पहले मुझे ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताओ, फिर टी बी टू बताओ, फिर टी बी वन बताना, क्योंकि सारा काम आपका हो चुका है, ये सारा काम बताओ, टाइम लगेगा इसके ऊपर। सबसे पहले आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स बता दो पी और पी इनवर्स। हेलो सर, हेलो हुआ क्या किसी का? हाँ जी मैम, पी आया है मेरा, बताना मैम। 30-11 जीरो, मेरा 3-5-1-2 3-5-1-2 आएगा ना मैम? हाँ सर, यही आएगा। और पी इनवर्स बता, मेरा पी इनवर्स आया है 2-5-1-3 सेम आया है मैम।
P1. हेलो हेलो, P1 निकली किसी की पहले निकली? हेलो हेलो सर, -20 39. हेलो सर, पी बोलो, पी कितनी निकली है? सी सर, रो वाइज है सर, 3 5 -1 -2. 3 5 -1 -2. सबकी यही निकली भाई? Yes, सबकी sir. और पी इनवर्स 2 5. टू फाइव वाइज सर. आगे -1 -3. -1 -1 -1 -3. ठीक है, तो ये निकल गई पी इनवर्स. PB1 कितनी निकली? -23 39. एक मिनट, PB1 कितनी निकली? -23 39 39. 15 26 15 26. मेरी तो यही निकली सर, बाकी पूछ लो. बताओ यही है या अलग है? सर 39 माइनस का होगा. हैं? 39 माइनस का होगा सर. 39 माइनस का है? हाँ जी सर. इनकी ये आई है. हाँ माइनस का ही होगा सर. हाँ, और TB2 निकाल रहे हैं सर, रुक जाओ. निकालो निकालो. TO2 निकली है किसी की? जी मैम, 35 41. हाँ जी. और -27 -32. -27 है ना? हाँ, -27 -32. 35 आगे, 41 आगे, -27 आगे, -32. यस सर. अब आप क्या निकालो? ये निकालो पी इनवर्स डी बी वन पी. ये निकालो, सभी की वैल्यू यहां रखो. कितनी आई?
हाँ जी निकला ये पी इनवर्स टी बी वन पी निकला सर मैच नहीं हुआ मेरा तो फर्स्ट रो नहीं मैच हो रही फिर गलत निकाल नहीं हो रही सर फिर गलत निकाल लिया तुमने फर्स्ट रो या तो टीवी वन गलत निकाल लिया टीवी टू या पी पी इनवर्स में गलत निकाल लिया सर टीवी वन में ना सर टीवी वन में पहली रो 29 और माइनस 22 आ रही है मेरी हाँ ये अलग आ रही है इसकी हेलो सर ठीक करो सर मैच हो गया हो गया हाँ जी सर मतलब ये आ रहा है 35 माइनस 27 ये आ रहा है ना यस सर ओके ठीक है तो ये अब आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी एक्सरसाइज 8.5 तो एक्सरसाइज 8.5 को कंप्लीट कर लेना आप ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा एक दो थ्योरम रह गई हैं वो बस 8.4 की उनके प्रूफ रन रहते हैं बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो आप अब इसकी प्रॉब्लम ट्रू फॉल्स एससीक्यू एमसीक्यू कर सकते हो ठीक है सेवंथ के कर लिए हैं एससीक्यू एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हेलो हाँ जी कर लिए सेवंथ चैप्टर के हेलो हेलो हाँ सर हो गए कहाँ तक पहुंच गए सेवंथ चैप्टर में हो गया सर एट पे आए हैं हम तो कंप्लीट हो गया यस सर डिस्कस भी हो चुका है ट्रू फॉल्स एससीक्यू एमसीक्यू नो सर सर वो हो गया सर वो क्वेश्चन हो गया हाँ क्या आया उसका वेरीफाई हो गया क्या गलती थी मैम मेरा तो नहीं हुआ मैं अभी देख रही हूँ मल्टीप्लाई में गलती आ रही है इनकी ठीक है सर रागनी कहाँ तक हो गया है ट्रू फॉल्स एससीक्यू एमसीक्यू कहाँ तक हो चुके हैं सर कल रियल के टेस्ट की डिस्कशन है ना उसके साथ सेवेंथ अच्छा ठीक है इसको सितंबर में निपटा दो इसको लीनियर को पूरे को क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम आ ही जाएगा इस बार तो जी सर हाँ एग्जाम तो दिसंबर में ही होएगा उससे पहले नहीं होएगा तो अब आपको तैयारी का एकदम ही नर फालतू मिल रहा है तो इसमें अच्छा कर दो और साथ में ना अप्लाइड के टॉपिक भी लेना स्टार्ट कर दो एक दो दो पार्टी ले रहे हो आप ठीक है अच्छी बात है साथ में जैसे ओडी पीडी पीडी रहने ना पीडी तो करवानी है आप लोगों को ओडी सीओवी इंटीग्रल इनको लेना स्टार्ट कर लेना हाँ जी सर बस अभी कॉम्प्लेक्स कवर होने वाला ना फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स का कौन चैप्टर पहुंच गया है सर फोर्थ पे पहुंच गए फोर्थ पे पहुंच गए हैं ठीक है क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा रियल हो जाएगा लीनियर तुम्हारा साथ साथ हो ही रहा है हाँ जी सर हाँ हाँ ठीक हो जाएगा इस बार तो फिर ठीक है फिर ये कर लो आपके पास टाइम भी है डिस्कस करने का सारा है तो कर लो इसको कंप्लीट ओके जी सर हाँ चलो ठीक है फिर आगे नहीं करते अब सर वो हो गया मैच हो गया ना मैच यस सर हाँ गुड नाइट सर हाँ गुड नाइट जी गुड नाइट वेरी गुड नाइट